हार्दिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लगा था कि वो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे, लेकिन चुनाव से एन पहले उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। यहां तक कि उसके अरमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस को छोड़ने के बाद बीजेपी सपने देख रही थी कि वो उनके कमल को थामेंगे। यहां तक कि पार्टी नेताओं ने तो पटेल के लिए हार्दिक स्वागत के पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा बयान देकर बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। त्याग पत्र देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अभी मैं किसी दल के साथ नहीं जाऊंगा, कहां जाना है, कब जाना है, इस पर मैं सोच समझकर ही कोई फैसला लूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखे तीर छोड़े। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है, यहां कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ पेपर पर दी जाती है। मैं 2 साल तक गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी। राहुल गांधी जब भी गुजरात आते हैं वे राज्य के एक भी मुद्दे पर बात नहीं करते। राहुल गांधी जब यहां आते हैं तब कांग्रेस के नेता ये चर्चा करते हैं कि कौन सा चिकन सैंडविच देना है या कौन सी डाइट कोक देनी है, बस इसकी चर्चा होती है। कांग्रेस में जातिवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी कोई भी पार्टी जनता का साथ नहीं देती है, लोग गुहार लगाकर थक जाते हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसीलिए मैंने अभी किसी भी दल के साथ नहीं जाने का फैसला लिया है। भले ही हार्दिक पटेल ने अपने बयान में बीजेपी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका ये बयान सत्तारूढ़ पार्टी की परेशानी को बढ़ाने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।